दरबारा से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 27 की सड़क पर अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस हाईवे पर यात्रा करना आपकी जान और जेब दोनों पर भारी पड़ सकता है। रिपोर्ट में देखिए। हाईवे पर मौत की दावत, नेशनल हाईवे 27 पर जरा सावधान। क्योंकि नेशनल हाईवे पर सड़क नहीं, गड्ढे मिलेंगे। एक महीने में हो चुकी है 6 मौतें। टोल नाके पर आपकी जेब होगी ढीली। बदले में मिलेंगी टूटी फूटी सड़कें। 12 में नेशनल हाईवे 27 का जरा हाल देख लीजिए जनाब, यहाँ सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आएंगे। इन्हीं गड्ढों में हिचकोले खाती गाड़ियां कब किसी के लिए मौत का सबब बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों की सड़क है, वो सड़क जिसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो देश के दो अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती है। 12 जिले से होकर गुजरने वाली इसी कॉरिडोर का ये हिस्सा है नेशनल हाईवे 27। 4 लेन वाली यह सड़क अब लोगों के लिए मौत की सड़क बनती जा रही है। इन्हीं गड्ढों की वजह से इस हाईवे पर पिछले एक महीने में 6 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अब आप समझ लीजिए कि इस हाईवे पर जिंदगी और वाहन सब राम भरोसे ही चल रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ने वाली 3,300 किलोमीटर वेस्ट कॉरिडोर पर कोटा से लेकर शाहबाद तक का भाग किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है। इस 135 किलोमीटर के अनगिनत गड्ढों वाले रास्ते में कुल 3 जगहों पर टोल टैक्स वसूले जाते हैं। अगर आप इस खस्ता हाल सड़क के 135 किलोमीटर के सफर को कार से तय करते हैं तो आपको इन तीनों टोल पर 230 रुपए देने होंगे। लेकिन सोचिए, आपकी सुविधा के नाम पर आपसे टोल टैक्स वसूले जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सड़क पर मिलते हैं केवल जानलेवा गड्ढे। बरसात के दिनों में हाईवे पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, यानी टोल टैक्स के नाम पर आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। यहाँ शेर साहब बात तक के रोड काल इतना खराब है, शायद कितने आज दिन तक कम से कम 50-100 एक्सीडेंट हो गए। भी 4 दिन पहले एक्सीडेंट हो करके 2 आदमी मृतक से बचे हैं, अभी भी यही हाल हो रहा है। इस खस्ता हाल और जानलेवा सड़क के बदले टोल टैक्स की वसूली पर अब सवाल उठने लगे हैं। सांसद दुष्यंत सिंह भी केंद्र सरकार को टोल वसूली स्थगित करने की मांग कर चुके हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस सड़क पर टोल वसूली को गलत ठहराया था। फतेहपुर टोल प्लाजा मैनेजर धीरेंद्र शुक्ला भी वही खोखला आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, किसी कारण बस NHAI का जो भी या KVT कंपनी थी जोधपुर में उसने नहीं किया, उस वजह से ऐसा दिक्कत हुआ है। आगे जो भी जो एजेंसी आई है उसको ठीक करने के लिए 9 महीने का टाइम सर लगेगा। अगर आप भी नेशनल हाईवे 27 के रास्ते सफर करने की सोच रहे हैं तो 12 से होकर गुजरने वाली इस सड़क पर जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि अनगिनत हादसों को न्योता देने वाले ये गड्ढे आपके लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। मौत का कारण बन चुका हाईवे NH 27 फोर लाइन है, जो कि जहां पर वाहन चालकों की आए दिन दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। इसका मुख्य कारण है खस्ता हाल सड़क। जिले के निकलते हाईवे NH 27 पर दो दो जगह लोगों को टोल चुकाने के बाद भी खस्ता हाल सड़क से गुजरना पड़ता है, और जिसके चलते कई दिन हादसे होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। राम प्रसाद मेहता, जी मीडिया, 12।